दोस्तों आप यहां पहला क्वेश्चन देख रहे हैं सी गोस इन द ब्लैंक स्कूल बाय कार यहां पर आपको जो है देखना है यहां पर आपको बताना है टू इन फ्रॉम और में से क्या आएगा तो सी गोस टू गोस के बाद जो है टू यहां पर लगेगा टू तो आ जाएगा यहां पर सही आंसर होगा टू आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन अपोजिट वर्ड तो ओपोजिट वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको हम एंटोनिम्स भी बोलते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों फुलिस। का जो हो जाएगा यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर जो है फुलिस का हो जाएगा वाइस फुलिस का होता है मूर्ख और वाइस का बुद्धिमान हो जाएगा होप होप आशा तो आशा का हो जाता है ओपोजिट निराशा तो होप का हो जाएगा डिस्पियर तो होप का हो जाएगा डिस्पियर होप का हो जाएगा डिस्पेयर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों अर्ली अर्ली मतलब जल्दी हो जाएगा तो अर्ली का जो है लेट हो जाएगा अर्ली का लेट हो जाएगा रिच रिच का हो जाएगा पुअर इस प्रकार से जो है ओपोजिट वर्ड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आगे हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक आई कम इन सर तो यहां पर विनम्र निवेदन के लिए जो है मे का यूज होता है तो मे आई कम इन सर हो जाएगा मे मे का यूज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों पर हमने मॉडल मॉडल का यूज किया हुआ मे तो मे आई कम इन सर हो जाएगा मे आई कम इन सर हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क भी जो है लगेगा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों सी फिल इन द ब्लैंक रन वेरी फास्ट तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर जो है हमको मॉडल यूज करना है कैन मे माइट तो सी रन वेरी फास्ट तो यहाँ पर क्षमता बताई जा रही इसलिए यहाँ पर कैन का जो है यूज़ हम करेंगे यहाँ पर जो है कैपेसिटी बताई जा रही है कि मैं कि वह फास्ट जो है तेज़ जो है दौड़ सकती है तो यहाँ पर कैन का यूज़ हो जाएगा कैन क्षमता के लिए फिर आगे जो है ही इज फिल इन द ब्लैंक एन सी सी कैडेट यहाँ आर्टिकल का यूज करना है ए एन और द में से क्या आएगा हमको आर्टिकल हमको यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर संक्षिप्त शब्द एन सी सी नेशनल कैडेट कोर तो यहाँ पर जो है एन सी सी नेशनल क्रेडेट कोर जो है संक्षिप्त शब्द है तो यहाँ पर जो है इसके जब संक्षिप्त शब्द जब आते हैं तो हम वहाँ पर यूज करते हैं एन का तो यहाँ पर हो जाएगा एन तो ही इज एन एन सी सी कैडेट हो जाएगा आगे हम देखते हैं यहाँ पर हमारा मिस्टर शर्मा इज एम एल ए मेम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो यहाँ पर भी संक्षिप्त शब्द है तो यहाँ पर भी एन का यूज यहाँ पर आ जाएगा एन यहाँ पर सही आंसर होगा आगे हम देख सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक बाइबल इज द होली बुक तो यहाँ पर जो है बुक जब भी कोई धार्मिक पुस्तक की बात आती है द महाभारत द रामायण द गीता द कुरान तो यहाँ पर द बाइबल हो जाएगा द बाइबल द यहाँ पर आएगा आगे देख सकते हैं हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है यहाँ पर देखिए बेस्ट गुड बेटर बेस्ट हम डिग्री की बात करें तो डिग्री में क्या होता है गुड बेटर और बेस्ट होता है पॉजिटिव डिग्री तो और सुपरलेटिव डिग्री जब आती है तो उसके सामने द का यूज हम करते हैं तो जा यहाँ पर दा। दा का, दा हो जाएगा यहाँ पर आगे हम देख सकते हैं द सन द सन ब्लैंक इट सिक्स ए एम डेली तो जो यहाँ पर सूर्य सन की बात हो रही है तो यहां पर हो जाएगा हमारा सूर्य जो है एक यूनिक यूनिक थिंग्स है और इसलिए जो है यहां पर आप देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है का सेंटेंस है यहां पर तो यहां पर सिंगुलर द सन जो है सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो यहां पर जो वर्ब है उस पर जो है एस एस आएगा तो राइजेस हो जाएगा राइजेस राइजेस द सन राइजेस इट सिक्स एम डेली हो जाएगा इस आगे देख सकते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है प्यूरल फॉर्म हमको बताना है प्यूरल फॉर्म जो है थीप थीप का प्यूरल फॉर्म जो है हो जाएगा हमारा थीप्स हो जाएगा यहां पर क्या होता है एफ जो है एफ हटा करके भी ई एस हम लगाते हैं इसी प्रकार से काफ में हो जाएगा यहां पर एफ हटेगा और यहां पर भी ई e. एस हो जाएगा फिर मैन मैन में क्या होगा एक ही जगह ई हो जाएगा प्यूरल फॉर्म में मैन हो जाएगा टूथ टूथ का हो जाएगा टीथ डबल ओ की जगह पे डबल ई आ जाएगा माउस का हो जाएगा माइस और चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन इस प्रकार से इसको जो हम कर सकते हैं प्यूरल फॉर्म प्यूरल फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों एक ना एक प्यूरल फॉर्म जो है जरूर पूछा जाता है हर साल तो थीप थीप का थीप मैन टीथ माउस चिल्ड्रन इसी प्रकार से और भी वर्ड आप जो है देख लीजिए आगे हम देख सकते हैं दोस्तों ओपोजिट जेंडर ओपोजिट जेंडर हमको जो है यहां पर बताना है बुलिया ऑक्स का जो है अपोजिट जेंडर हो जाएगा काउ काउ हो जाएगा क्यून क्यूइन का हो जाएगा किंग मैन का हो जाएगा वुमेन और एक्टर का हो जाएगा एक्ट्रेस एक्ट्रेस बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों प्रिंस का प्रिंसेस हो जाएगा प्रिंस का प्रिंसेस हो जाएगा टीचर का टीचर ही रहेगा टीचर का अपोजिट जेंडर जो है टीचर ही आएगा इस प्रकार से आज हमने देखा और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन यहां देखते हैं दोस्तों फिल इन द ब्लैंक टाइम इज इट तो यहां पर हम देख सकते हैं बीच और वाट में से जो है क्या सुटेबल वर्ड रहेगा यहां पर तो यहां पर वाट आ जाएगा वाट वाट टाइम इज इट हो जाएगा आगे हम देख सकते हैं वे फिल इन द ब्लैंक्स वे सेल वी गो तो यहां पर विच हो जाएगा विच जो है यहां पर सुटेबल वर्ड हो जाएगा तो बिच यहां पर जो है सुटेबल वर्ड यहां पर हो जाएगा बिच वे सेल बी गो हो जाएगा आगे हम देख सकते हैं अगला जो सेंटेंस है राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन यहां पर आप देखिए ऑनेस्ट यहां पर आया है राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन तो फाइंड एडजेक्टिव तो यहां पर हमको एडजेक्टिव हमको बताना है कि इसमें जो है सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है तो यहां पर एडजेक्टिव हमारा हो जाएगा ऑनेस्ट नेस्ट जो है यहाँ पर एग्जीटिव हमारा हो जाएगा तो दोस्तों आज के वीडियो हम इतने ही क्वेश्चन को देख रहे हैं आगे और भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सके दोस्तों 2020 और 21 से में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं मैंने लगभग लगभग सारे जो है सब्जेक्ट को मैंने कवर किया है तो सारे वीडियोस को आप जरूर देखें निश्चित रूप से दो की जो तैयारी है उसमें आपको सारे वीडियोज हेल्प करेंगे दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच